एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कटघोरा, और कटघोरा में आज हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर। पहले मुझे नहीं पता था कि राम मंदिर है वहाँ पर, फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, और हस्बैंड ने मुझे बताए भी नहीं थे, बस ये कहा था कि कटघोरा चल रहे हैं करके। तो बस हम लोग जो है रेडी हो गए हैं, करीबन 3:30-4 का टाइम हो रहा है, और बाइक से जा रहे हैं तो मैंने मुंह कवर कर ली हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी एकदम जो है ना, और टेम्परेचर जो यहाँ का काफ़ी हाई है, तो बस मैंने कवर कर ली थी अपने आप को क्योंकि ना मुझे फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रास्ता जो है कितना ख़राब है। ये हमारे घर के नज़दीक का ही है जो कि यहाँ पर ना प्लांट वगैरह है, तो यहाँ पर ट्रक वगैरह जो है डेली ही चलते रहते हैं इस तरीके से, और काफ़ी हद तक चलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर ट्रक वाला एरिया है, और काफ़ी कुछ ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जिनसे लोगों की मौत हो जाती है। तो प्लांट वगैरह है यहाँ पर, और धूल आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, और थोड़ा सा भी हवा तूफान आता है ना तो यही राखड़ उड़ करके हमारे जो घर को है ना वो पूरा गंदा कर देती है। तो मतलब कितना भी आप साफ़ सफाई कर लो, घर कभी साफ़ सुथरा नहीं रहता है इस प्लांट की वजह से। तो बस यहाँ पर जो है निकल पड़े थे घर से, करीबन ये 1 घंटे का रास्ता है, और थोड़ा सा धीरे ही चलना पड़ता है क्योंकि ये ट्रक वाला एरिया है तो थोड़ा सा डर वगैरह लगता है। तो बस फटाफट से जो है हम लोग निकल गए थे घर से, और ये है दर्री डैम, और ये दर्री का चौराहा है, और ये जो है ना डैम है, और यहाँ पर प्लांट वगैरह भी है, ये आपको दिख रहा होगा चिमनियाँ बड़ी बड़ी सी। तो जो हमारा बालको का प्लांट है ना वो एशिया का सबसे बड़ी चिमनी है, और ऐसे कहा जाता, मुझे हस्बैंड ने बताए थे, मुझे आइडिया नहीं है। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा एक ना, ये भवानी माता का मंदिर है, फिर कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये भी कांच से बना हुआ है, अंदर का पूरा कांच से बना हुआ है, कभी लेकर के चलूँगी, और बहुत ही सुंदर मंदिर है, 2-3 बार मैं चली गई हूँ यहाँ पर। और एक साइड में यहाँ पर जो है ना पूरा कमल खिला हुआ है, और इस तरफ जो है ना थोड़ा सा सूखा सा है, और काफ़ी लोग यहाँ पर सेल्फी वगैरह भी ले रहे थे। ये जो ग्रीन दिख रहा है ना दूसरे साइड में, वहाँ पर पूरा कमल कमल खिला हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, वो भी पर्पल कलर में। तो ये इस तरीके से देखिए ये डैम है, और पहले इस वाले रास्ते में ट्रक वगैरह बहुत चलते थे, बट अभी बंद हो गया क्योंकि जो सामने आपको दिख रहा है ना रोड बन गई है, बाईपास रोड, तो ट्रक अब यहाँ से चलने लगे हैं। अदरवाइज़ यही जो जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ वहाँ पर ट्रक वाला एरिया था ये भी, बट अभी जो है यहाँ से बंद कर दिया गया है। और ये जो पुल है ना, ये ब्रिज है ना, ये हिलता भी है कहीं कहीं से, और ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ से दिखता है। और चिमनी वगैरह देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ना यहाँ पर गर्मी इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से मैंने व्यू आप लोग को दिखा दी हूँ, और यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं आगे के लिए। तो यहाँ पर जगह जगह पर ना चिमनी वगैरह है, प्लांट वगैरह जो है, तो ये NTPC शायद इसको बोलते हैं। और बस यहाँ से भी जो है हम लोग निकल पड़े थे जल्दी से क्योंकि ये शाम हो जाएगी फिर, और हमें घर वापस भी आना है। ये मंदिर का जो है गेट है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो अब चलते हैं हम पहाड़ी की ओर, और ये पूरा रास्ता बना हुआ है, तो यहाँ पर ना कार वगैरह सब आ सकती है, 4-व्हीलर वगैरह जो है, रास्ता काफ़ी अच्छा ये बन गया है। मैं पहले कभी नहीं आई, फर्स्ट टाइम आई हूँ,
और जो है ना बाइक कार जो भी है सब आ सकता है यहाँ पर आसानी से। मुझे लग रहा था कि पहले ये नहीं आएगा क्योंकि ये पहाड़ी पर है, और यहाँ से जो है ना जब ऊपर चले जाएंगे ना तो नज़ारा जो है काफ़ी सुंदर दिखता है पूरे चारों तरफ का, और धूप आप देख सकते हो कितनी तेज़ है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है आप पहुँच गए ऊपर की तरफ, और यहाँ से पूरा जो कटघोरा है ना वो अच्छे से नज़र आ रहा है, और जो NTPC का प्लांट है वो भी दिखता है यहाँ से। और हम पहुँच गए हैं मंदिर, और यहाँ पर ये जो है एक एक करके ना छोटे छोटे से मंदिर है। सबसे पहले ये भैरव बाबा और नागद्वार करके कुछ बोलते हैं वो मंदिर है, और उसके आगे यहाँ पर प्रसाद वगैरह मिलता है, तो कोई भी जैसे आता है तो पहले प्रसाद ले उसके बाद में मंदिर में एंटर करे। तो मंदिर जो है थोड़ी सी और ऊंचाई पर है, पहले यहाँ पर नीचे साइड में जो है शंकर भगवान जी का मंदिर है और बजरंगबली का मंदिर है, और ये है जो मेन गेट है यहाँ से एंटर करते हैं, बट जो है ना इन्होंने मेन वाला जो गेट है वो बंद करके रखे हुए है। यहाँ से फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिए और यहाँ से हम निकल पड़े मंदिर के लिए, राम जी के मंदिर के लिए। तो पहले हम ऊपर जाएंगे उसके बाद में हम नीचे आकर के पूजा करेंगे, क्योंकि समय जो था वो काफ़ी जल्दी जल्दी से बीत रहा था। और यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी साफ़ सफाई मंदिर के अंदर कहो या बाहर कहो, इतना नीट और क्लीन था मंदिर पूरा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बाहर साइड में यहाँ पर भी ना जैसे काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, और एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी लगी कि जो मुमेडियन लोग जैसे मुस्लिम लोग रहते हैं ना वो भी यहाँ पर देखने को मिले, और वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में उन्होंने प्रसाद वगैरह भी लिए और आरती वगैरह लिए, तो वो चीज़ें देख करके बहुत अच्छी लगी। तो बस हम लोग जो है सबसे पहले अब जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, और उसके बाद में आ करके हम नीचे की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है और ये छोटे छोटे से, और साथ में बजरंगबली का भी मंदिर है। और यहाँ से देखिए और ऊँचाऊ है चढ़ाऊ यहाँ से, और ये जो छतरी दिख रही है ना यहाँ पर आपको दिखेगा जो है ना यहाँ पर बजरंगबली के पैर है, बट मैं ना गई नहीं थी वहाँ पर, और हस्बैंड बस गए थे बाद में। तो बस अब जो है ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और क्योंकि ये और थोड़ी ऊँचाई पर पहाड़ी पर है तो बस ये जो है, और हम लोग ना गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी थक गए थे तो हमसे चलते भी नहीं बन रहा था, क्योंकि ना रोड जो है वो जगह जगह बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसकी वजह से जो है ना पूरे दचके वगैरह लगे हैं ना गाड़ी के, तो इस वजह से जो है चलते भी नहीं बन रहा था।
अंदर से मंदिर था और बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और सच बताओ तो मुझे ना मंदिर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं 2-3 बार जा कर के ना वहीं वापस से मैं बैठ गई थी और सच बताओ तो निकलने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन घर जाना था तो इस वजह से जो है फिर हम यहाँ से निकल पड़े थे नीचे की तरफ। और अभी यहाँ पर हस्बैंड जाएंगे बजरंगबली के, वहाँ जहाँ पैर है ना वहाँ पर जाएंगे, वो पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद में मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ भोले बाबा का मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये सब आप लोग को कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और DIY करना ना मेरे से उतना ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है क्योंकि काफ़ी समय ले लेता है वो, और उसकी वजह से जो है ना फिर मेरे दूसरे काम नहीं हो पाते घर के। तो मैं जो हूँ अब व्लॉगिंग और साथ में DIY भी आप लोगों के साथ में धीरे धीरे शेयर करूँगी। जैसे जैसे होगा व्लॉगिंग में ही जो है DIY आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊँगी। और ये आ गए हैं हस्बैंड जी यहाँ से पूजा करके, और ये है मंदिर यहाँ का भोले बाबा का। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो भगवान जी के दर्शन करके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू और बाय बाय। मगर प्रेम तन सुधी नहीं दे, कहे कपिल देवी धन माता, तुम नाम से मुख सुख दाता, गुण गान हो रघुपति कब गाए, तुम बहुवचन सच हो कब गाए, निश्चरण कर पतंग सम रघुपति पान किसान राम, जननी हृदय।